नमस्कार। सन 2014 के दौरान महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उमेद मिशन की शुरुआत यवतमाल जिले के बाबुलगांव तहसील में की गई थी और स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और प्रभाग संगठन के गठन के बाद समूह में शामिल महिला सदस्य के साथ साथ बकरी पालकों की मांग और उनके जरूरतों के अनुसार तालुका स्तर पर सामुदायिक पशुधन उन्नति संसाधन केंद्र जैसे कि CLVC स्थापित की गई। इस पशु उन्नति संसाधन केंद्र में आमतौर पर दाना मिश्रण, लेंडी खाद और बकरी के दूध से साबन बड़ी मात्रा में बनाई जाती है। साबुन निर्माण के लिए हम हमेशा एमगिरी संस्थान वर्धा का सहयोग लेते हैं और वैसे भी उनका सहयोग मिला है। पिछले 2 वर्षों से पशु उन्नति संसाधन केंद्र में कार्यरत पशु प्रबंधक और कुछ चुनी हुई पशु सखी ने एमगिरी वर्धा संस्थान से रसायन विभाग से साबुन बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस प्रशिक्षण के बाद पशु उन्नति संसाधन केंद्र बाबुलगांव में साबुन उत्पादन कार्य की शुरुआत की गई और शुरुआती स्थिति में साबुन निर्मिति दौरान बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमें एमगिरी संस्थान वर्धा के माध्यम से मिला है। साबुन निर्मिति में अब कोई भी समस्या नहीं है। साबुन उत्पादन शुरू करने के बाद पिछले 1 साल में करीबन 6,000 साबुन का उत्पाद हम लोगों ने किया है और आमतौर पर इसका जो आर्थिक कारोबार है वो 1,80,000 रुपया है। इस साबुन बनाने की गतिविधि में अभी 10 पशु सखी और 3 CLM शामिल है और इसमें कुल मिलाकर 13 व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।